Heather, have you on? Hi, hello, Jagdish ji. Thank you.
हाँ अंकिता जी, पेपर है बामियानों का है, चाइना पेपर है, बामियान पेपर बोल के है। ये फूल का एक गुच्छा है, फूलों का, और फूल जो है पिंक वाइट टाइप का है। हाँ, एक दो कली जो है उसका पिंक है, और बाकी जैसे जैसे बड़ा हो जाता है वो ज़्यादा वाइट में हो जाता है। इस तरह से फ्लावर्स का एक गुच्छा है। तो यहाँ पे मैंने कलर यूज़ किया, मैजेंटा है, एक परमानेंट रोज़ है जो कि इस तरफ है, दिखाई नहीं दे रहा है, परमानेंट रोज इसी तरफ से रेड है इस तरह से, ओके। और कुछ कोबाल्ट ब्लू, फ्रेंच अल्टामरीन, प्रूसियन ब्लू, इस तरह से कुछ कलर है जो कि फर्स्ट वॉश मैंने कवर किया। अभी फर्स्ट वॉश के बाद सेकेंड वॉश जैसे चाहेंगे हम, इसे अच्छी तरह ड्राई कर लिया। फर्स्ट वॉश में हमें जो मेन मेन हाईलाइट पॉइंट है, जो ये मेरे एकदम फ्लावर्स जो वाइट जहाँ पे ज़्यादा लाइट है, उसको हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान में रखते हैं फर्स्ट वॉश में, उसको थोड़ा बचा के, बाकी जो बैकग्राउंड फील करते हो भी काफ़ी लाइट कलर फील करते हैं, ठीक है। एकदम से डार्क कलर हम, हमें दिखता है डार्क है बट क्या, वो हम एकदम से यूज़ नहीं करते, उससे क्या होता है वो जो सॉफ्टनेस वो ख़त्म हो जाता है पेंटिंग में। अभी जैसे ट्राई कर लिया, देखिए मैं किस तरह से फील करूँगा अभी बैकग्राउंड को। इसको हम बोलते स्टेप बाय स्टेप, इसलिए हम बोलते स्टेप बाय स्टेप। अभी यहाँ पे मैंने कुछ बैकग्राउंड ऐसे फील करूँगा ताकि मेरे जो कुछ फ्लावर्स है वो थोड़ा सा मुझे ऐसे दिखे जो वहाँ पे फ्लावर्स है कुछ, ठीक है। कोबाल्ट ब्लू,
कलर और पानी दोनों चीज़ साथ साथ चलता रहेगा, कलर और वाटर, ताकि कलर हमेशा पानी में तैरना चाहिए, तो उससे सॉफ्टनेस आता है पेंटिंग में। अभी जो कुछ ड्राइंग्स में इनिशियल डाला था उसका मैं अच्छी तरह उसको निकालूंगा, उसके जो पंखुड़ी को, बहुत ज़्यादा डार्क कलर यूज़ किया नहीं मैं। और देखिए जैसे डेप्थ होता है वहाँ मैंने थोड़ा सा करते करते मिला दिया, ताकि ऐसा फील हो जो दूर फ्लावर्स है वो एकदम मिक्स हो गया बैकग्राउंड में। थैंक यू सो मच जगदीश जी। कुछ भी एकदम प्रोमिनेंट नहीं होना चाहिए ऊपर से नीचे तक, कुछ कहीं पे अच्छा दिख रहा हो कहीं पे मिटा दिया। तो इस तरह से काम करने से क्या होता है, अच्छा दिखता है। थैंक यू दादा, थैंक यू। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा मैं, कोशिश कर रहा हूँ कम से कम समय हो जाए। और ये देखिए मैंने फिर पीछे को बैकग्राउंड जैसे हार्ड ना हो जाए मैं ज़्यादा पानी यूज़ कर दिया, तो इस तरह से मैंने बोला था कुछ प्रोमिनेंट कुछ नहीं होता, तो कहीं पे डार्क कहीं पे लाइट एक खेल होता है। तो मैं ये जानबूझ के कुछ ड्रॉप कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ कलर, उससे क्या होगा मुझे बैकग्राउंड भी एक धुंधला सा होगा बट क्या एक सुंदर सा इफेक्ट लेके आएगा। और सबसे बड़ी बात है आपने जो रेफरेंस फ़ोटो यूज़ कर रहे हो उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक काम करें, उसी पे आपको बहुत कुछ दिखाई दे देता है कैसे करना क्या है। हम अक्सर गलती ये करते हैं, हमारा जो रेफरेंस फ़ोटो होता है उसको हम ठीक से वॉच नहीं करते, बहुत इम्पोर्टेंट है वो ठीक से देखना। मैं वही कार्रवाई फिर से एक बार करूँगा, कुछ कुछ एक लोकेशन में मैं इसको कलर लिफ्ट कर दूंगा ताकि प्रोमिनेंट ना लगे। यहाँ पे कुछ फ्रेंच अल्टामेरिन व्हाइट फ्लावर्स बनाना बहुत ही टफ काम हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या कलर ऐड करूं वो बड़ा समस्या है।
सेकेंड वॉश भी काफ़ी हल्का कलर है मेरा, वो ध्यान रखिएगा। आप रोज अगर वाटर कलर करते हो तो आपको खुद ब खुद ही कुछ अचीव हो जाता है। हाँ, ये एक प्रॉब्लम हो रहा है मोबाइल पर, पता नहीं। कभी कभी होता है, बंद हो जाता है। यहाँ पे कोई ऑप्शन तो है नहीं है लॉक करने का, क्योंकि ये लाइव है। नहीं, कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहा है मुझे। इनेबल फ्लैश दे रहा है, बट उससे कुछ नहीं होने वाला। मैं कोशिश करता हूँ। नहीं, लॉन्ग टच करके देख लिया, वो जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तब होता है ये चीज़। अभी नहीं आ रहा है, अभी वो नहीं आ रहा है वो। कुछ लाइट का कमी के वजह से भी हो सकता है शायद, या ज़्यादा लाइट के वजह से भी हो सकता है। यहाँ पे एक फ्लावर जो है अंधेरे में है, तो इस तरह से उसका कलर मुझे देखने को मिला है। आपको एक या दो फ्लावर्स पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, आपका फोकल पॉइंट वही होगा। हर एक फ्लावर्स के काम करने की जरूरत नहीं है, एक या दो फ्लावर्स पे अच्छी तरह काम करना होता है।
अभी शायद आपको समझ में नहीं आ रहा, थोड़ी देर में समझ में आएंगे। व्हाइट पंखुड़ी के ऊपर भी एक कलर होता ही है जो आसपास के कलर के रिफ्लेक्शन में कलर मिलता है उसके ऊपर। ओके, रेफरेंस फोटो में दिखाता हूँ, वो मेरे लैपटॉप में है। वेट 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 वेट, कैसे दिखाऊँ? ओ लो, दिखाई दे रहा है आपको? काफ़ी बहुत सुंदर है, फ्लावर्स है। मैंने भी इंटरेस्ट निकाला ये नेट से। ओके थैंक यू। थैंक यू आर्यन जी, आर्यन। अभी आपको फ्लावर्स को समझ में नहीं आ रहा, इसलिए ये मैं पहले लगा देता हूँ, ताकि आपको कुछ फील हो कहाँ फ्लावर्स का वो डायरेक्शन है, इससे फील हो जाएगा थोड़ा। फ्लावर्स हो या कुछ भी हो, आपके सब्जेक्ट, उसमें एक डायमेंशन क्रिएट होता है जिसके कारण वो 3D लुक आता है नज़र। तो वो दिखाना बस आपने, उसके होता है कि अगल बगल कलर उसको पकड़ना है, अगल बगल कलर क्या है। अभी ये जैसे हार्ड है हो जाएगा, ये मैं क्योंकि वो डिस्टेंस में है तो मैं थोड़ा स्प्रे कर दिया ताकि वो ब्लोर हो जाएगा। तो ये मुझे एक वो फीलिंग नहीं रहेगा जो वहाँ पर फ्लावर्स है, ना तो मैं उसको प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट दिखाऊंगा। ठीक है, मैं जहाँ दिखाना है यहाँ पे दिखाना। ठीक है,
अब ये जो पीला वाला बीच वाला लगाया मैंने, उसको क्या बोलते हैं यार, उसके थोड़ा सा अभी साथ साथ में मेरा ध्यान पूरा फ्लावर्स में नहीं होगा, एक दो या तीन तीन फ्लावर्स में ज़्यादा ध्यान होगा, और ऐसे ही होता है, अक्सर ऐसे ही होता है। तो आपको सारे फ्लावर्स को बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक दो फ्लावर्स को अपने ठीक से निकालना है बस। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके जो बैकग्राउंड है उसको अच्छी तरह फिल करना होगा, और उसी से क्या होगा, मेरा ऊपर का फ्लावर्स है वो उभर के आएंगे। हर एक लोकेशन पे एक लाइट एंड शैडो, उसको पकड़ना है अपने। ये वाला फ्लावर्स काफ़ी जो पंखुड़ी टाइप का है उसको मैं काफ़ी अच्छी तरह काम करूँगा, इसी से मेरा पूरा काम उभर के आएगा। बस रेफरेंस फ़ोटो में देखना है कहाँ कितना कलर है, आपको वहीं से समझ आ जाएंगे। मैं ये वाला फ्लावर्स पे अभी ध्यान रख रहा हूँ, तो इसके जो ये वाला लोकेशन पे मैं अगर नहीं भी होगा तो भी मैं लगा दूँगा, है ना। और यहाँ पे ऑलरेडी है कलर, बट ये ध्यान रखिएगा ये इस तरह से डार्क हर एक लोकेशन में नहीं दिया, मैं थोड़ा थोड़ा कलर वही दिया जो उसी लोकेशन में कलर है उसी का मैंने थोड़ा डार्क यूज़ किया, ठीक है। अभी जैसे ये बना है तो मैं इसको एक शेडो फिल कर सकता हूँ, कुछ सुंदर सा डॉट है जो तरह से है,
आपको शायद दिख रहा कि नहीं, कुछ एक लोकेशन में मैं नीचे के ओर एक कटिंग दूंगा ताकि यहाँ पे कुछ फ्लावर्स का वो वेलकम बर्नाली, यहाँ पे क्या करते हैं हम इस तरह से कुछ लेवेंडर का एक ड्रॉप देते हैं और वो लेवेंडर अपने आप में मिक्स होके स्प्रेड होके एक लाइट सा क्रिएट करते हैं। ये जो फ्लावर्स का जो पंखुड़ी है ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना, और बहुत ज़्यादा नहीं दिखा रहा हूँ, एक दो में दिखा रहा हूँ, बट उसी से क्या हो रहा है समझ में आ रहा है। ये फ्लावर्स के ऊपर फ्लावर्स है तो काफी डिफिकल्ट काम है,
देखिए व्हाइट के ऊपर भी कुछ कलर हम ऐड कर रहे हैं, है ना। तो वो कलर क्या, वो दिख रहा है आपको, दिखता है आपको, आपने देखना है ठीक से, जो रेफरेंस फोटो होगा आपके। कुछ एक हम बाएं ओर देंगे कलर, ताकि यहाँ के फ्लावर्स को निकाल देते हैं थोड़ा सा। कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा क्यों ना कलर नीचे से डार्क दिखाया जाए। ये देने से एक फ्रेम सा लुकिंग दिया, एक फ्रेम सा बन जाता है, तो कि हमारा नजर नहीं फिर ले जाने के लिए। ओके, सारे आर्टिस्ट यही काम करते हैं, यही प्लानिंग होता है पेंटिंग्स के बीच में, ठीक है। बस दूर जो है हल्का हल्का हमें फीलिंग देना है, फ्लावर्स है करके। लाइव तो चल रहा है। हेलो हेलो केजी आर्ट, लाइव तो चल रहा है। आपके मोबाइल में प्रॉब्लम होंगे, देखिए जरा। हाँ, कलर कुछ मिक्स है इसमें, कुछ मिश्रण गोल्ड है, कुछ कैमिल का है। कैमिल का मेरे पास है, पेंस ग्रे है, सैप ग्रीन है, और
नेपल्स येलो है, और बाकी जो है ज़्यादा कलर मेरा मिशन गोल्ड का है। ज़्यादा उभरने के लिए इस तरह से कुछ बैकग्राउंड में फील किया। तकरीबन मेरा पेंटिंग्स समाप्त हो गया है। आपको उम्मीद है आपको अच्छा लगा है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये पेपर के लिए जानकारी अगर आपको चाहिए तो मेरे कांटेक्ट नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, और फेसबुक पे भी आप बात कर सकते हैं मुझसे। थैंक यू। म्यूज का मतलब है सरस्वती देवी है, और कुछ प्राइवेट कारण के वजह से मैं नाम चेंज किया, तो 4 महीने के बाद फिर रिज्यूम हो जाएगा वही नाम। कोई बात नहीं, आप मेरे नाम से भी ये चैनल में पहुंच सकते हैं, आप मेरा नाम टाइप भी करेंगे तभी पहुंच सकते हैं। और इसी म्यूज़ से मेरा स्टूडियो भी है, तो रह भी गया कोई दिक्कत नहीं है। म्यूज़ का मतलब है सरस्वती देवी है, और जहाँ से इस विद्या की शुरुआत होता है किसी भी, तो इसीलिए उनका नाम से रख लिया मैंने। और आने वाले समय पे कुछ वर्कशॉप, कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहा है, और वर्कशॉप भी कुछ आ रहा है दिल्ली में, कुछ कोलकाता में। तो मेरे फेसबुक पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे वहाँ पे। फेसबुक लिंक मेरे फाइल इसी पे है। थैंक यू दीप्ति जी, प्लीज शेयर इट। हाँ, बंगाल में है स्टूडियो, मेरे घर में है, और ये महालया का दिन मैं इसकी ओपनिंग कर रहा हूँ। आप सारे सभी प्लीज आए, और उसका मैं भी लिबलेट वगैरह तैयार नहीं किया, तो मैं शेयर करूँगा आप सभी को। इनवाइट रहा मेरा अभी से। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग। एंड जो भी वाटर कलर सीख रहा है, आपके अगल बगल दोस्त हैं, जो भाई बहन है, जो भी है, उनको प्लीज़ ये शेयर कीजिए, और उससे वो भी थोड़ा सीख पाएंगे। और कुछ पूछना है तो प्लीज़ बताएं। वेलकम। थैंक यू, फिर क्लोज करते हैं। बाय बाय, टाटा। ओके, मेरा जो नंबर है वो 7009
162970, तो आप फोन करेंगे तो जी मेरा कोई टाइम फिक्स तो नहीं रहता है, फिर भी हम बता देंगे ग्रुप से। आपके व्हाट्सएप नंबर होगा तो देखे रहिए, हमारा ग्रुप में मैं शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप से। तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 7009 162970 7009 162970। तो आप हमारे ग्रुप में रहेंगे तो आपको अपडेट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।